हवा में उड़ता हुआ गुणीराम खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। गुणीराम को यमराज अपने साथ यमलोक लेकर जा रहे थे। यमराज की सवारी भैंसा अपनी पूरी स्पीड में यमलोक की ओर बढ़े जा रहा था। गुणीराम की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो यमराज से बहुत कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से बोल ही नहीं फूट रहे थे। तभी यमराज ने गुणीराम की ओर देखते हुए कहा कि बस थोड़ा समय और है, फिर हम लोग यमलोक में होंगे। भगवान, मेरी जिम्मेदारियां भी अधूरी है, मुझे मत लेकर जाइए। देखो गुणीराम, भाग्य के लेख को कोई नहीं मिटा सकता। तुम्हारी मौत आज के दिन ही निश्चित थी, इसलिए भाग्य का लेख नहीं मिट सकता। फिर यमराज ने अपने भैंसे को अपनी गति बढ़ाने के लिए कहा। जो आज्ञा भगवान। गुणीराम यमलोक में प्रवेश करने ही वाला था, तभी न जाने कहां से एक पहाड़ उनके रास्ते में आ गया। तेज गति से बढ़ रहा यमराज जी का भैंसा जब तक कुछ समझ पाता, उसकी टक्कर उस विशालकाय पहाड़ से हो गई, जिसके कारण गुणीराम यमराज के भैंसे से नीचे जमीन पर गिरने लगा। गुणीराम पूरी तीव्र गति से नीचे गिरा जा रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। अचानक गुणीराम की नींद खुल गई। उसने देखा वो तो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में जमीन पर लेटा हुआ है। क्या क्या ये सपना था? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सच भी तो हो सकता है। अगर ये सच हो गया तो 65 साल का अपाहिज गुणीराम मोची का काम करता है। चिलचिलाती गर्मी हो या कड़ाके की ठंड या हो मूसलाधार बारिश, गुणीराम सड़क के किनारे स्थित एक पेड़ के नीचे बैठा मिल जाएगा। गुणीराम की पत्नी बहुत पहले गुजर गई थी। एक बेटा था जिसकी शादी के 2 साल बाद वो और उसकी पत्नी दोनों एक दुर्घटना का शिकार हो गए और अपने पीछे छोड़ गए 1.5 साल की नन्ही मुन्नी गुनगुन को। ना ना मत रो, मत रो बेटा मत रो। कांपते हाथों से उन्होंने अपनी छोटी सी पोती को गले से लगाया और उसे सांत्वना देने लगे। वो नन्ही सी बच्ची क्या समझती, लेकिन गुणीराम के बूढ़े कांधों पर एक बड़ी सी जिम्मेदारी आ गई थी। जवान बेटे की मौत ने उसे तोड़ तो दिया था, लेकिन अपनी पोती गुनगुन के लिए उसे जीना था और बिना थके बिना रुके काम भी करना था। अरे जरा जल्दी हाथ चलाइए, इस तरह कछुए की तरह काम करेंगे तो ऑफिस पहुंचने में देर हो जाएगी। जी जी साहब, कर रहा हूँ, क्या करूँ, उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है ना, तो दिखाई कम देता है। ग्राहक ने गुणीराम को पैसे दिए और वो चला गया। गुणीराम पूरा दिन मेहनत करता, इसके बावजूद उसकी जेब में चंद रुपए ही आते, जिससे उसका गुजारा बहुत मुश्किल से चलता। लेकिन गुणीराम खुद एक वक्त का खाना खाता, लेकिन अपनी पोती को भरपेट भोजन करवाता। आखिर वही तो एक निशानी बची थी उसके बेटे और बहू की उसके पास। अरे बस 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 दादाजी, मुझे अब और नहीं खाना। अरे बस ये आखिर कौर ही तो बचा है, इसे जल्दी से खा ले, चला कर खा खा खा। समय बीत रहा था। छोटी सी गुनगुन भी अब पूरे 6 साल की हो गई थी, अब वो स्कूल भी जाती। दादाजी मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे भी जूते और चप्पलों की सिलाई करनी है, जूतों में पॉलिश लगाना है। नहीं गुनगुन, तुझे नहीं करना ये सब बेटा, तुझे तो खूब पढ़ना है और पढ़कर बड़ा बनना है। कितना बड़ा दादाजी, आपसे भी बड़ा? अरे मैं बड़ा कहाँ हूँ, मैं तो बूढ़ा हूँ। गुणीराम और गुनगुन का जीवन इसी तरह चल रहा था, लेकिन उस रात के सपने ने गुणीराम के दिल में बहुत बड़ा डर भर दिया था, और वो डर था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी नन्ही सी पोती का क्या होगा। वो बेचारा अपनी पोती के बारे में सोचता और छिप छिप कर रोता। मेरी उम्र काफी हो चुकी है, हाथ पैर भी ठीक से काम नहीं करते मेरे, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और धीरे धीरे मेरे कदम मौत की ओर बढ़ ही रहे हैं। लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी इस छोटी सी पोती का क्या होगा, कैसे चलेगा इसका जीवन, क्या करेगी ये? अभी तो ये इतनी छोटी है कि अपना ध्यान ठीक से नहीं रख पाती, अगर मैं मर गया तो फिर कौन रखेगा इसका ध्यान, कौन? इस बात को सोचकर फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी गुनगुन वहाँ आ गई और उसने अपने दादाजी को रोते देखा। दादाजी आप रो रहे हैं, क्या हुआ आपको, आप क्यों रो रहे हैं? अरे नहीं तो, मैं कहाँ रो रहा हूँ, वो मेरी आंखों में कचरा चला गया है। दादाजी आपको झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता, सच सच बताओ आप क्यों रो रहे हो, आपको मेरी कसम। और हाँ,
झूठ बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि मैंने आपको अपनी कसम दी है, अगर झूठ बोलोगे तो मैं मर जाऊंगी। उसके ऐसा कहते ही गुणीराम ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसके मुंह पर अपनी उंगली रखते हुए बोले, अरे ऐसी बात नहीं करते बेटा। नहीं कहूंगी, सच सच बताओ क्या हुआ। तब गुणीराम ने अपनी पोती को सपने की सारी बात बताई। दादाजी वो तो एक सपना था, सपने के बारे में सोचकर आप क्यों परेशान हो रहे हैं। था तो वो सपना ही बेटा, लेकिन सच तो ये है ना कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और कभी भी मुझे यमराज लेने आ सकते हैं। यमराज क्या सबको लेने आते हैं दादाजी? नहीं, जिसकी मृत्यु होने वाली होती है उसे ले जाने के लिए आते हैं। मतलब माँ और बाबा को यमराज लेने आए थे जब उनकी मृत्यु होने वाली थी? हाँ बेटा आए होंगे। आए होंगे मतलब क्या आपने उन्हें देखा नहीं? गुनगुन की बातों का गुणीराम क्या जवाब देता, उसने बस बहलाने के लिए गुनगुन को कहा कि अरे बेटा अब बुढ़ापे के कारण मेरी आंखें कमजोर हो गई है ना, इसलिए वो आए होंगे तो मुझे पता नहीं लगा होगा। ठीक है दादाजी, आप बूढ़े हुए हैं मैं नहीं, जब वो आपको लेने आएंगे तो मैं उन्हें अपनी आंखों से देख लूंगी और मैं उन्हें आपको ले जाने नहीं दूंगी। गुणीराम उसकी बात को सुनकर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसको जिसका डर था वही हुआ। एक दिन जब वो अपनी दुकान में बैठा था तो एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी दुकान में घुस आया और गुणीराम को अपनी चपेट में ले लिया। गुणीराम की तत्काल मौत हो गई। यमराज अपने भैंसे पर गुणीराम को लेकर आकाश मार्ग से यमलोक जाने लगे। तभी उनके भैंसे को अपने आगे एक छोटी सी बच्ची रास्ता रोके खड़ी दिखाई दी। भैंसे ने अपनी रफ्तार कम कर दी। क्या हुआ, तुमने अपनी रफ्तार क्यों कम कर दी? प्रभु आगे एक छोटी सी बच्ची खड़ी है। बच्ची? वो बच्ची कोई और नहीं गुनगुन थी। यमराज ने जब उससे अपने मार्ग को रोकने का कारण पूछा तो बेटी तुम हमारा रास्ता क्यों रोक रही हो, हमें जाने दो, हमें देर हो रही है। मुझे भी आपके साथ जाना है। अरे तुम हमारे साथ नहीं आ सकती बेटी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आयु अभी पूरी नहीं हुई है। नहीं हुई है तो पूरी कर दीजिए, लेकिन मुझे अपने साथ ले चलिए। अरे ऐसा नहीं होता बेटी, ये नियमों के विरुद्ध है। मैं वो सब नहीं जानती, मुझे आपके साथ जाना है। यमराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस छोटी बच्ची के हट का क्या करे। उन्होंने उसे कुछ प्रलोभन देना शुरू किया। बेटी देखो तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें देता हूँ, खिलौने, चॉकलेट, कपड़े, तुम्हारी मन पसंद गुड़िया, या अगर पैसे चाहिए तो पैसे भी ले लो और मुझे जाने दो। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं तो आपके साथ ही यमलोक आऊंगी। अरे बेटी जिद ना करो। जिद तो आप कर रहे हैं, मैं नहीं। यमराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्ची को कैसे समझाए। तभी गुनगुन ने कहा, मैं एक शर्त पर आपका रास्ता छोड़ दूंगी। शर्त? अरे मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, जल्दी से बोलो क्या है तुम्हारी शर्त। सच में आप मेरी हर शर्त मानेंगे? हाँ कहा तो मैंने, बोलो क्या है तुम्हारी शर्त। आप मेरे दादाजी को वापस कर दो। दादाजी? कहाँ है तुम्हारे दादाजी? मेरे दादाजी आपके साथ हैं, उन्हें आप यमलोक ले जा रहे हैं। देखिए यमराज जी, आप पहले ही मेरी माँ और बाबा को अपने साथ ले गए हैं, अब दादाजी को साथ ले जाएंगे तो मैं कैसे रहूँगी, मेरा ध्यान कौन रखेगा, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ ना। मेरे दादाजी को वापस कर दीजिए, अगर नहीं कर सकते तो मुझे भी मार दीजिए और ले चलिए अपने साथ। गुनगुन की बात सुनकर यमराज धर्म संकट में फंस गए थे। उन्होंने गुनगुन से वादा किया था कि वो उसकी हर शर्त मानेंगे। वो थोड़ी देर खामोश रहे तो गुनगुन ने कहा, क्या सोचने लगे आप, मेरी शर्त आप पूरी नहीं कर सकते ना, ठीक है फिर मुझे भी ले चलिए अपने साथ, मुझे अपने दादाजी के बिना नहीं रहना। गुनगुन की बात सुनकर यमराज थोड़ा मुस्कुराए और अपनी आंखें बंद कर जोर से फूंक मारा। अगले ही पल गुनगुन अपने दादाजी के पास धरती लोक पर बैठी हुई थी। उसके दादाजी का एक्सीडेंट तो हुआ था, लेकिन वो लंबी बेहोशी में चले गए थे। ये गुनगुन का अपने दादा के प्रति प्यार ही तो था जो उसने उन्हें यमराज के पास से भी वापस ले आया था।